देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की मौत ने भारतीय कारोबारियों की मुश्किलों को उजागर किया है। उन्होंने मौत के लिए आयकर विभाग को दोषी करार दिया, लेकिन आयकर विभाग ने इस बात को नकार दिया। आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक सीसीडी के प्रमोटर वीजी सिद्धार्थ के खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में रहते की गई थी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ ने माइंडट्री के शेयर बेचकर 3200 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन 300 करोड़ रुपए के मिनिमम अल्टरनेट टैक्स को चुकाने की जगह उन्होंने केवल 46 करोड़ रुपए ही चुकाए। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में सिद्धार्थ के दस्तखत आयकर विभाग के रिकॉर्ड्स में मौजूद दस्तखतों से मेल नहीं खाते हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि इस मामले की पुख्ता जांच की जरूरत है। इस दुखद कहानी में डर है कि कहीं सीसीडी की सुनहरी कहानी न खत्म हो जाए। दरअसल भारतीय ब्रांड कैफे कॉफी डे नामी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी ब्रांड स्टारबक्स को कड़ी टक्कर देता है। अब ये कंपनी कोका कोला को हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार थी। इसके बाद कैफे कॉफी डे का कद कितना बड़ा हो सकता था, इसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। कोका कोला ने सीसीडी में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। सीसीडी के फाउंडर वीजी सिद्धार्थ अपनी कॉफी चेन को बेचने के लिए कोका कोला से 8 से 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद में थे। जून में इस डील को लेकर खबरें आई थी और जल्दी ही डील के फाइनल हो जाने की उम्मीद भी थी। अगर ये डील पूरी हो जाती तो सीसीडी अपने तमाम कर्ज आसानी से चुका सकती थी। आंकड़ों के मुताबिक सीसीडी पर मार्च 2019 तक 6,547.38 करोड़ रुपए का कर्ज था। सीसीडी ने 2017-18 में 90 छोटे स्टोर्स बंद किए थे। कॉफी डे एंटरप्राइजेस ने मार्च 2019 में खत्म होने वाली तिमाही में 76.9 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज कराई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 43.64% ज्यादा रही। हालांकि इस दौरान कंपनी का घाटा 16.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 22.28 करोड़ रुपए हो गया था। इस ब्रांड की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई थी। कैफे कॉफी डे चेन 23 साल पहले बेंगलुरु में शुरू हुई थी। कॉफी डे एंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड इसे चलाती है। मार्च 2019 तक भारत में सीसीडी के 1700 कैफे थे। ये कॉफी चेन दुनिया भर में 6 देशों में सालाना 1.8 अरब कप कॉफी परोसती है। मौत से पहले लिखे अपने आखिरी खत में सिद्धार्थ ने सीसीडी के जरिए 50,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया है। हालांकि अभी बाजार के जानकार मानने लगे थे कि बाकी कंपनियों से मुकाबले के लिए अब कैफे कॉफी डे को बदलाव की जरूरत है। कंपनी को लगातार चायोस और चाय पॉइंट जैसे नए बेवरेजेस ब्रांड से कड़ी टक्कर मिल रही है। कोका कोला भी देश के 2500 करोड़ रुपए के कॉफी रिटेल मार्केट में दाखिल होना चाहती है, जिसके लिए कैफे कॉफी डे एक अच्छा विकल्प बन सकता है। सीसीडी ने कई शहरों तक अपनी पहुंच बना ली है, जिसके बाद कोका कोला देश भर में आसानी से रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच सकेगा।